वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम प्रतीक्षा कैरन फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल. जब अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और रिविजन में भी ले लिया था, यानी कि अपन ने अभी तक 3 चैप्टर देख लिए है, 15, थर्ड और फर्स्ट. आज अपन अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और वो हमारे अच्छे हैं, यानी कि हमारे लिए फ्रेंड्स भी है और फो भी, यानी कि हमारे लिए नुकसान भी कर सकते हैं. ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक दो सेल्स होते हैं, या फिर वो लिविंग होते हैं, या फिर उसको अपन माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको सिर्फ और सिर्फ अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख पाते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो इतने छोटे होते हैं. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हाउएवर दे आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. यानी कि अपन बहुत सारे अपने आसपास एनिमल्स होते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स को अपन देख सकते हैं और कुछ कुछ को अपन देख भी नहीं सकते. जिनको नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड सर्फेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस. बारिश के टाइम में आपने देखा होगा कि ब्रेड होती है ना, ब्रेड के ऊपर ग्रीन फंगाई आ जाती है जो कि ग्रे कलर की होती है. उसके अंदर क्या होती है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे या माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आप एकदम छोटे छोटे से राउंड राउंड से स्ट्रक्चर दिखेंगे. डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम. क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और ये कहाँ से. फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना 2.1, विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. क्या आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अपने आसपास मूव करते रहते हैं. सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, दैट नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स. These are microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. यानी कि अपन मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी में अपन को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे. ऑर्गेनिज्म अलग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग होता है. ऑर्गेनिज्म में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अर्थवॉर्म भी आ जाती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे जिसको अपन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख पाएंगे या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनकी साइज इतनी छोटी होती है. सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. यानी जैसे कि फंगस की बात करते तो फंगस कहाँ पर लग जाती है, जैसे कि अपन ब्रेड को ग्रो करवाते हैं, यानी कि ब्रेड को हल्का सा मॉइस्ट कर दे और थोड़े टाइम के लिए एक बॉक्स में बंद करके रखेंगे तो उस पर फंगस लग जाएगा, उसको अपन एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. बाकी को अपन माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इंटू 4 मेजर ग्रुप्स. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने ग्रुप होते हैं, 4. याद रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने ग्रुप होते हैं, 4. कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी. बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर. जैसे कि आपको इस डायग्राम में दे रखा है, ये क्या है, बैक्टीरिया, एल्गी इस तरीके से होती है, प्रोटोजोआ इस तरीके से होता है और फंगाई इस तरीके से होती है. फंगाई पे मोस्टली क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, यानी कि इस तरीके से छोटे छोटे से प्रेजेंट हो गए. वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस की बात करते हैं, वायरस को भी अपन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखते हैं, लेकिन वह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. वायरस तभी ग्रो कर पाएंगे या रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जब वो किसी के अंदर होंगे, चाहे वो एनिमल्स के अंदर चाहे वो ह्यूमंस के अंदर हो, तभी वो क्या कर पाएंगे,
ग्रो कर पाएंगे या फिर रिप्रोड्यूस करवा पाएंगे। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। जैसे कि उस फिगर की बात करते हैं वायरस के, तो ये वायरस इस टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इनका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। जब ये किसी के अंदर जाते हैं ना, तभी खुद को एक्टिव करते हैं, वरना ये हमेशा इधर उधर इनएक्टिव में ही पड़े रहते हैं। फिर अपन वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। यानी कि चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, या फिर एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग क्यों ना हो। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, इन्फ्लुएंजा बोलते हो ना इसमें, FLU बोलते हैं ना, ये फ्लू ही है जो आपको हो जाता है कभी कभी। एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरस। आपने देखा होगा आपको कभी जुकाम हो जाता है, तो जुकाम आप चाहे कितनी भी टेबलेट्स ले लो वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे बैक्टीरिया है जो कि अपना टाइम पीरियड लेके ही खत्म होगी, यानी कि वो 1 वीक तक रहेगा आपको जुकाम, फिर वो अपने आप सही हो जाएगा। यानी कि वो ऐसे वायरस से होता है कि उनको ना आप चाहे कुछ भी ले लो बाहर से, एंटीबायोटिक्स कुछ भी ले लो, वो सही नहीं होगा। वो अपने टाइम पीरियड जो अपने अंदर आया है वायरस, वो उसको कंप्लीट करके ही जाएगा। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय होता है, चिकन पॉक्स होता है, वो वायरस से ही सही हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो वो थोड़े टाइम अपने आप सही हो जाते हैं, होते हैं ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनका एक फिक्स पीरियड होता है कि उसको वो इतने पीरियड में तो भले कुछ भी हो जाए वो कंप्लीट करके ही निकलेगा आपकी बॉडी से। जस्ट लाइक डिसेंट्री, सारी क्या है डिजीज है, डिजीज लाइक डिसेंट्री, मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ वायरस से ही होता है, सॉरी प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबर क्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज, यानी क्या है बैक्टीरिया से ये चीजें होती है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा ही होगा। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है, सेल होता है। कुछ एल्गी और मल्टी सेलुलर, जैसे कि कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं इसमें एक से ज्यादा सेल्स होंगे, जैसे कि सच एज मैनी एल्गी, जैसे कि बहुत सारी एल्गी भी हो सकती है, फिर फंगाई भी हो सकती है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ये हर टाइप के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, यानी कि एकदम बर्फ जमने वाली सर्दी में रह सकते हैं, बहुत गर्म जगह रह सकते हैं, और ऐसी जगह जो एकदम सूखी हो वहाँ पे भी रह सकते हैं। यानी कि दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, और ये अपनी बॉडी के अंदर भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म grow on other microorganism by other exist freely. कुछ microorganism ऐसे भी होते हैं जो कि किसी और microorganism पर रहकर अपनी life cycle को आगे बढ़ाते हैं। कुछ microorganism को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Microorganism and us, यानी कि अपनी बात करते हैं उनकी बात करते हैं। Microorganism play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, where some of others are harmful and cause diseases. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने लिए अच्छे हैं और कुछ से हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। Let us study about in हमारे लिए अच्छे हो। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, उनको बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं। They are used in the preparation of curd, bread and cake. उनको किस किस में यूज कर सकते हैं? कर्ड बनाने में, जो आपको पता ही होगा कर्ड तो बनता है बैक्टीरिया से ही बनता है, यानी कि मिल्क के अंदर कर्ड डालता है, कर्ड के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। टोफू किस में यूज होते हैं? कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में,
या केक बनाने में। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीकस एक्सेट्रा। यानी क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है आर ब्रोकन डाउन इन हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो कौन करता है, ये बैक्टीरिया ही करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन भी किससे बनाई जाती है, बैक्टीरिया से बनाई जाती है। इन एग्रीकल्चर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और एग्रीकल्चर में इसका कैसा यूज होता है, जैसे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं ना मिट्टी में, उसको वो फिक्स करते हैं। यानी कि जो अब क्या होते हैं, प्लांट होते हैं ना, एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, तो मिट्टी में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एटमोसफेयर नाइट्रोजन को किसमें चेंज करते हैं, एक अलग नाइट्रोजन का ही एक पार्ट होता है उसमें चेंज करते हैं, फिर उससे वो प्लांट यूज कर लेते हैं। फिर और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इन टू कर्ड बाई बैक्टीरिया। यानी कि मिल्क किसमें चेंज हो जाता है, बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है, सॉरी मतलब कर्ड में चेंज होता है, और उसको कौन चेंज करता है, बैक्टीरिया। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक कर्ड में बहुत सारे बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम लैक्टोबेसिलस। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके आगे भी आएगा। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि लैक्टोबेसिलस, बैक्टीरियम लैक्टोबेसिलस से क्या बनता है, कर्ड बनता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इन टू द कर्ड। यानी कि वो बार के नंबर्स बहुत इतनी तेजी से डिवाइड करते हैं कि मिल्क किसमें चेंज जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मनी अदर फूड आइटम्स। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट ऑफ रवा, यानी कि सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। कैन यू गेस व्हाई, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडलीज। यानी कि बैक्टीरिया को या फिर ईस्ट को इसमें क्यों यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को फुलाना। जब आप इडली बनाते हो तो उसका जो बैटर बनाते हो तो उसमें आप क्या ऐड करते हो, बेकिंग सोडा ऐड करते हो, या फिर आप चाहो तो ईस्ट भी ऐड कर सकते हो। यानी कि इससे इन चीज़ों से क्या होता है, वो जो चीज़ होती है वो फूलने लगती है। देखा होगा आपने बैटर थोड़ी देर में वो फूल जाता है, तो वो क्यों करते हैं, फर्मेंट करने के लिए। फर्मेंट करने के लिए यानी उसको फुलाने के लिए। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करते हैं, खुद के नंबर बढ़ाते जाते हैं, उसके साथ साथ वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी नंबर बढ़ाता रहता है। बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। जो डो होता है ना उसमें बबल्स बनने लगते हैं, उससे वो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन स्टेक फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और ये सारी चीज़ें कहाँ यूज होती है, फैक्ट्रीज में हो सकती है या बेकिंग इंडस्ट्रीज में हो सकती है। ईस्ट किसको बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, और ये सारी केक्स वगैरह बनाने के लिए। यानी कि बेकिंग जो इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें होती है ना, उसमें मोस्टली क्या यूज़ करते हैं वो लोग, ईस्ट। अब देखो कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूज़ यानी कि जो मार्केट में जो भी चीज़ें यूज़ होती है या फिर उससे सेल करते हैं, उनमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। यानी कि एल्कोहल को बनाने का भी एक रोल है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको अपन विनेगर भी बोलते हैं, ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यानी कि ईस्ट और क्या बना सकता है, एल्कोहल और वाइन भी बना सकता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट एक्सेट्रा। यानी कि ईस्ट को किन किन सब चीज़ों पे ग्रोन करवाया जाता है, जो कि नेचुरल शुगर है। आपको पता है ये बियर, एल्कोहल वगैरह कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों को सड़ा के गला के ही बनाया जाता है। तो ईस्ट को ही क्या करते हैं, डायरेक्टली इन पे ही ग्रो करवा देते हैं, सी क्या बना देती है, एल्कोहल बनाती है।
This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. यानी कि जो स्मेल होती है वो शुगर की वजह से आती है और जो एल्कोहल कौन चेंज करता है ईस्ट चेंज कर दिया. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. यानी कि शुगर को एल्कोहल में चेंज करना किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से, क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशन आएगा. मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको और क्या तरीका हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करने के लिए. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections as of penicillin. यानी कि जब भी आप बीमार हो जाते हो तो ना डॉक्टर आपको देते हैं जैसे कि कैप्सूल होता है, पेनिसिलिन होता है. The source of these medicine in microorganism, these medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganism. यानी कि अपनी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनको जब आपको एंटीबायोटिक दे जाती है तो इनको मार देते हैं. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एबायोटिक. यानी कि वायरस को तोड़ने के लिए एंटीबायोटिक डाले जाते हैं. वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है उसको किल करते हैं. दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बींग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई. और इसको किससे बनाया जाता है, बैक्टीरिया और फंगाई से. जैसे कि इसके नेम भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, माइसिन आर सम ऑफ द known antibiotic which are made from fungi and bacteria. यानी कि सारे क्या थे, कुछ antibiotic थे जिसको fungi और bacteria से बनाते हैं. The antibiotic are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. यानी कि इन microorganisms में अलग अलग ही इनको grow करवाया जाता है. यानी कि एकदम अच्छे से जैसे labs में अच्छे से इनको grow करवाया जाता है ताकि ये अलग अलग disease का क्या कर सके, cure ढूंढ सके, यानी कि बीमारी का इलाज ढूंढ सके. इसलिए इनको अलग level पे और अलग safety के साथ में grow करवाया जाता है. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection to in animal. और mostly ये जैसे antibiotic जो भी बनाते हैं ना उनको सबसे पहले animals पे test करते हैं. They are also used to control many plant diseases. और अब तक ऐसे भी बहुत सारे antibiotics बना दिए हैं जो कि plant पे जो भी disease लग जाती है, यानी कि plants खराब होने लगते हैं या जो भी उन पे disease लग जाती है उनसे बचाने के लिए. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वैक्सीन, इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.